नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब की केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ शगुन कोछाड़। आज बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर की पहली पुण्यतिथि है। आज देश भर में उन्हें लोग याद कर रहे हैं। जब उनकी मौत की खबर आई थी बीते साल, तो इस खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। बीते साल 30 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में जब उनके निधन की खबर फैली तो सभी हैरान हो गए। आंखों वाला लड़का कह लीजिए, उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पहला चॉकलेटी हीरो कह लीजिए, या फिर नायिकाओं के साथ अक्सर रोमांस करते नजर आने वाला लवर बॉय, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में डांसिंग की परंपरा को एक नया अंदाज देने वाला डांसिंग स्टार कह लीजिए, या फिर डफली मास्टर, उन्हें अपनी माशुका के प्यार में पागल होकर दर दर भटकने वाला मजनू कह लीजिए, या फिर फिल्मों में डेब्यू करने की ख्वाहिश रखने वाली नई नवेली नायिकाओं के लिए लकी साबित होने वाला हीरो कह लीजिए। निकनेम्स भले ही अलग अलग रहे हों, लेकिन ये सारे निकनेम एक ही नाम में जाकर समा जाते हैं, और वो नाम था चिंटू और ऋषि कपूर। आज ऋषि कपूर को गुजरे हुए एक साल पूरा हो चुका है। आज ही के दिन एक साल पहले फिल्म इंडस्ट्री ने अपना ओरिजिनल चॉकलेटी बॉय खो दिया था। इससे ठीक पहले इंडस्ट्री ने बोलती आंखों वाले सितारे इरफान खान को खो दिया था। इन दो मौतों ने न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि फैंस को भी झकझोर कर रख दिया। ऋषि कपूर की बात की जाए तो उन्हें पहली बार श्री 420 फिल्म में रोल मिला। इसमें उनके पिता राज कपूर मुख्य भूमिका में थे। ऋषि इस फिल्म के प्यार हुआ इकरार हुआ गाने की शूटिंग के दौरान बारिश में दो और बच्चों के साथ भीगते हुए दिखाई दिए। फिल्म की हीरोइन नरगिस ने उन्हें सीन करने के लिए चॉकलेट देने का वादा भी किया था। इसके बाद वो नजर आए अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में। फिल्म मेरा नाम जोकर में हाथों में जोकर लिए गोल मटोल सा नीली आंखों वाला लड़का, जिसकी मासूम आंखों की चमक को आज भी कोई भुला नहीं सकता। इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार ऋषि कपूर को मिला था। ठीक 3 साल बाद राज कपूर की ही फिल्म बॉबी से उन्होंने बतौर डेब्यू किया था। इस फिल्म में उन्होंने किशोर वय की दहलीज को पार करने वाले लड़के का किरदार निभाया था, जो एक फिल्म की हीरोइन डिंपल को पहली ही नजर में देखकर उन्हें अपना दिल दे बैठा है। घर वालों के राजी न होने पर बगावत भी करता है। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपर स्टार बना दिया। उन्हें इसके लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद तो उनके पास फिल्मों की झड़ी लग गई। ऋषि कपूर को ज्यादातर रोमांटिक रोल के लिए जाना जाता है। उनकी एक एक अदाओं पर फैंस मर मिटते थे। उनका डांसिंग स्टाइल कमाल का था। फिर चाहे वो गिटार के साथ हो या डफली, या फिर हीरोइनों के साथ डांस करना, सब कुछ कमाल का था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम किया, जैसे कभी कभी, नसीब, अमर अकबर एंथनी, कुली, अजूबा। ऋषि उन चंद एक्टर्स में से थे जिन्होंने अपने दौर की तकरीबन सभी हीरोइंस के साथ काम किया। ऋषि कपूर ने अपनी पत्नी नीतू के साथ 1973 से 1981 के बीच 12 फिल्मों में काम किया। वो उन चंद एक्टर्स में से थे जिनके साथ सभी हीरोइंस काम करना चाहती थी, क्योंकि वो नई हीरोइंस के लिए लकी माने जाते थे। अपने करियर में उन्होंने रोमांटिक रोल किए तो नायिका प्रधान फिल्मों में काम करने से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने संजीदा भूमिकाएं भी निभाई, जैसे लैला मजनू, सरगम, प्रेम रोग, तवायफ। वहीं उन्होंने कॉमेडी में भी हाथ आजमाया, जैसे रफू चक्कर, अमर अकबर एंथनी। सच में ऋषि कपूर की कमी बॉलीवुड को हमेशा खलेगी। उनके जैसा ना कोई था और ना ही कोई होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए रितेश झा की रिपोर्ट। ऋषि कपूर को इस दुनिया को अलविदा कहे हुए आज पूरा एक साल बीत गया है। ऋषि कपूर उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही वो स्टारडम पा लिया था जो कि जीवन भर कई एक्टर्स पा नहीं पाते हैं। इसीलिए ऋषि कपूर को हमेशा याद किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।